केंद्र में बैठी भाजपा इस समय देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी बनकर सामने आई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा बहुत मुखर है और अमित शाह पार्टी के अनुशासन की पूरी कमान संभाले हुए हैं। भाजपा में पार्टी अध्यक्ष के बाद एक ऐसा पद है जिस पर बैठने के बाद कोई भी नेता सर्वशक्तिमान बन जाता है। इस पद पर बैठने की इच्छा भाजपा के हर बड़े नेता की होती है, लेकिन इस पर बहुत कम किस्मत वाले ही भाजपा के नेता बैठ पाते हैं। इस कुर्सी पर बैठने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की राजनीति में एंट्री हुई थी। भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड में कुल 12 सीट हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 11 ही सदस्य हैं, जो पहले से बैठे हुए हैं। 12वीं सीट पर वेंकैया नायडू विराजमान थे, लेकिन नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह सीट फिर से खाली हो गई। पार्लियामेंट्री बोर्ड की सीट के खाली होने के बाद ही इस पर बैठने की मारामारी शुरू हो गई है। इस सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह, जोशी, आडवाणी, मोदी और अमित शाह सहित कई नेता बैठ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी दावेदारी इस पर ठोकते हुए दलील दी है कि वो 3 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं सुनने में आया है कि अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में लाना चाहते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि देवेंद्र मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं और अंदर की बात अंदर ही रखते हैं, इसलिए अमित शाह को उन पर पूरा भरोसा है। वहीं भाजपा का एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस कुर्सी पर देखना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में मोदी के बाद योगी ही भाजपा के सबसे कद्दावर नेता के रूप में सामने आए हैं। सीट खाली होने के बाद से ही इसमें बैठने वालों में केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पार्टी और संघ तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हुए हैं, लेकिन सीट पर कौन बैठता है यह तो पार्टी को ही तय करना है।